नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल सागर में हर तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है और इन अपराधों में आपकी सेहत भी इस तरीके से प्रभावित हो रही है। सागर में बिना टेस्टी साल्ट फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। जानवरों को खिलाए जाने वाले खड़े नमक से बना रहे थे टेस्टी साल्ट। 920 कट्टे नमक जब्त किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला सागर से जुड़ा हुआ है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने नमक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। फैक्ट्री में जानवरों को खिलाए जाने वाले खड़े नमक से बिना टेस्टी साल्ट बनाया जा रहा था। टीम ने कार्रवाई कर उक्त नमक को जब्त किया है। खाद्य विभाग जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के अनुसार मिलावट की सूचना मिलने पर बिना टेस्टी साल्ट फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां पर जानवरों को खिलाए जाने वाले खड़े नमक से बिना मसाला नमक बनाया जा रहा था। कार्रवाई करते हुए मौके से 920 कट्टे खड़ा नमक कीमती करीब 1,00,000 रुपए जब्त किया है, जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट है। उक्त नमक सीमेंट की बोरियों में भरकर रखा गया था। मामले की छानबीन में ये बात सामने आई है कि फैक्ट्री संचालक उक्त नमक को गुजरात से सीमेंट की बोरियों में भरकर मंगवाता था। दुबे ने बताया कि मामले में नमक जब्त कर जाँच की जा रही है। जाँच के लिए सैंपल लिए गए हैं, लेकिन हम आप सब सागर वासियों से अपील करेंगे, सागर में इस तरीके के गोरख धंधे लगातार चल रहे हैं, चाहे वो नमकीन फैक्ट्री हो, नमक फैक्ट्री हो या अन्य खाद्य सामग्री जो भी आप खाते हैं, उस पर आपकी सेहत पर कितना दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, ये चिंताजनक बात है। और लगातार सागर में अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि चिंताजनक है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।